हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि अपना एक सीरीज चल रही है जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी अपन कवर कर रहे हैं आरपीएससी आरएएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर अगर आप इसको देखें तो इसमें अपन फैक्ट्स भी कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप अगर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं आरपीएससी की तो उसके अंदर भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम्स होती रहती हैं आरपीएससी की, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अपनी जो सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर नंबर 4 है और आज अपन कवर करेंगे जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें अपन ईस्टर्न प्लेन और प्लस में अपन करेंगे साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेन एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू ये अपना आज का स्टडी का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो ईस्टर्न प्लेन जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं भरतपुर का पार्ट आ रहा है, ये अलवर का पार्ट आ रहा है, ये दौसा का पार्ट आ रहा है, ये करौली का पार्ट आ रहा है, ये धौलपुर का पार्ट आ रहा है थोड़ा सा ग्रीन में, यहाँ जयपुर भी है, सॉरी अजमेर हो गया, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापनगर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा का कुछ पार्ट इस रीजन के अंदर कवर होता है। तो इस तरीके से अगर अपन इस पार्ट को देखें तो इस रीजन को डिवाइड किया जाता है टोटल 4 सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये 4 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, ये है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। जैसा कि अब रिवर्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये रीजन है वो कहाँ कहाँ से ये अपन इसको सब डिवीज़न किए कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। देखो बाणगंगा जो है वो इधर से फ्लो होती है तो ये वाला रीजन हो जाएगा, माही जो है वो इधर से आपकी फ़्लो होती है, यूँ जा कर के यूँ निकलती है तो ये वाला रीजन हो जाएगा माही, दिस इज़ बाणगंगा। चंबल है वो एमपी से आती हुई इधर से एंटर होती है और यूँ फ्लो होती है तो ये वाला रीजन आपका चंबल का हो जाएगा। और जो बनास है वो यहाँ से राजसंबंध से निकलती है और इस तरीके से आकर के यहाँ पे चंबल से फ्लो होती है तो ये वाली आपकी बनास रिवर हो गई। तो इस तरीके से 4 बेसिन्स के अपन अंदर इसको जो ईस्टर्न अपना प्लेन है उसको अपन ने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी डिटेलिंग और अपन थोड़ी सी अच्छे से पढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो ईस्टर्न प्लेन है वो सॉरी जो अपना ईस्टर्न प्लेन है वो स्प्रेड किधर है, अरावली के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट में। जैसा कि अपन ने अभी मैप में देखा अरावली इधर है तो इस रीजन के अंदर ये अपना पूरा ईस्टर्न प्लेन कवर है ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ अरावली। ये स्टेट की जितनी भी लैंड एरिया है उसका 23% एरिया ऑक्यूपाई करता है, जिसमें 40% पॉपुलेशन आपके यहाँ पे रहती है। जैसा कि प्लेन्स है तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। अब एग्रीकल्चर अगर अच्छी है तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। अब आप देख लो यहाँ पे 23% एरिया के ऊपर 40% पॉपुलेशन रहती है, बाकी रिमेनिंग जितने भी अगर अपन रीजन्स की बात करें, अपन 4 सब रीजन्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं राजस्थान को फिजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर, तो उसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ का लैंड एरिया और उसकी पॉपुलेशन के रेशियो की बात करें तो ये सबसे हाईली डेंस एरिया राजस्थान का है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं मैप में अपन ने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, और ये डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होते हैं। सब डिविजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, ये अपन ने देख लिया। इस रीजन के अंदर एनुअल रेनफॉल जो है एवरेज वो है 60 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है और वो भी मैक्सिमम कौन से मंथ में होता है, जुलाई से सितंबर, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है ना आपकी साउथ वेस्ट मानसून की, उसके अंदर होता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कैसे आती है, मान लो ये इंडिया है तो यहाँ से अपना साउथ वेस्ट मानसून उठता है, ये इधर जाएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ और वो फिर आकर के राजस्थान में एंटर होता है इधर से। ठीक है, बाकी ये जो अरब सागर से उठने वाला अरेबियन सी से जो
मॉनसून उठता है वो क्या करता है, वो अरावली के पैरेलल निकल जाता है, इससे अपने यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। रेनफॉल होती भी है अरेबियन ब्रांच से, तो वह कहाँ होती है आपके, मैंने बताया था साउथ सदर्न जो अरावली रीजन है वो आपका हाई, थोड़ी हाइट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और वहाँ पे आपकी जो वेजिटेशन है वो भी डेंसिटी अच्छी है, तो वहाँ पे सदर्न अरावली एरिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून से थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाए माउंट आबू जैसे रीजन के अंदर तो ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो मैक्सिमम राजस्थान के अंदर रेनफॉल होती है वो बे ऑफ बंगाल, अपनी इस बे ऑफ बंगाल इससे होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से साउथ साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे सॉइल कैसी मिलती है, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है दोमट, आपको पता है दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, लोमी सॉइल, ठीक है। इसके अंदर सैंड सिल्ट और क्ले इनका एकदम बढ़िया प्रोपोर्शन होता है, प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है विद गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, उससे क्या होता है ज़्यादा फर्टाइल होती है लैंड, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे क्रॉप कौन कौन सी होती है, जिसमें देख लो वीट, बार्ली, ग्राम, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, ये यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं। स्लोप है वो इस रीजन का है टुवार्ड्स ईस्ट, जैसा कि अपन देखते हैं अरावली है यहाँ पे, तो अरावली क्या है हाईलैंड, अब हाईलैंड है ये अगर उठ रहा है इस तरफ भी झुकाव रहेगा इसका स्लोप का, जो भी अर्थ लैंडमास रहेगा, और इस तरफ भी रहेगा, तो अभी अपन अरावली के ईस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका ढलान किस तरफ हो गया आपके ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसका ढलान किस तरफ हो गया ईस्ट की तरफ, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है टुवार्ड्स ईस्ट, यहाँ पर जो ईस्ट की तरफ जो ढलान है उसके अंदर आपकी कौन कौन से बेसिन आ जाएंगे, चंबल आ जाएगा, बाणगंगा आ जाएगा और बनास आ जाएगी, और यह आपका कौन से ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आती है, यह आपका है बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये सारी नदियां कहां जाके गिरेंगी आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर, क्योंकि देखो चंबल है, चंबल में आपकी बनास आके मिल जाती है और चंबल जाकर के आपकी यमुना में मिल जाती है, यमुना आपकी गंगा में मिल जाती है, अब यमुना के अंदर आपकी बाणगंगा जाके मिल जाती है, तो इस तरीके से, और गंगा है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो सारा ड्रेनेज सिस्टम क्या हो गया ये वाला आपका जो ईस्टर्न साइड के अंदर है वो आपका बे ऑफ बंगाल है, जबकि माही है वो आपकी अरेबियन सी में जाती है, उसकी वजह अपने को पता है अरावली इधर, माही जो है ओरिजिन होती है आपकी एमपी से, बांसवाड़ा डूंगरपुर इधर से होती हुई इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो अपने को पता है अगर इसने इसको पाथ मिल गया कोई भी रिवर को और उसने अरावली को इस तरफ क्रॉस कर लिया तो इसका ढलान किधर है, इस तरफ वेस्ट की तरफ, तो ये किस तरफ जाएगी, वेस्ट में ही जाएगी, इसलिए ये अरेबियन सी के अंदर ब्रांच बन जाती है अरेबियन सी माही, ठीक है। फिर बात आती है आपकी कि इसका डिवीज़न अगर अपन देखें तो किस तरीके से, तो देखो ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल के हिसाब से डिवीज़न किया जाता है। इस डिवीज़न को देखा जाए तो 50% सेंटीमीटर रेनफॉल वाली अगर लाइन ड्रॉ की जाएगी, जहाँ जहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है उन जगहों को अगर डॉट से कनेक्ट किया जाए तो उस लाइन से अगर डिवाइड करें तो इस रीजन को अरावली रीजन से ये वाली लाइन डिवाइड करती है, 50% सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन डिवाइड्स इट, इट मींस अपना हो गया ईस्टर्न प्लेन, और उस कहाँ से डिवाइड होती है वो अरावली रेंज से, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें तो 75 सेंटीमीटर जो रेनफॉल लाइन है वो आपको डिवाइड कर ईस्टर्न प्लेन को डिवाइड करती है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू से, जो अपना नेक्स्ट जियोग्राफिक डिवीजन है जो अपन अभी स्टडी करेंगे। इस रीजन के अंदर प्लेन वाले रीजन के अंदर स्मॉल हिल्स भी मिलती है जिनको डांग बोला जाता है सदर्न पार्ट के अंदर, और मंडोली बोला जाता है भरतपुर वाले रीजन के अंदर, ठीक है। सवाई माधोपुर और धौलपुर जो कि चंबल बेसिन के रीजन में आते हैं, तो वहाँ पे क्या है एक्सेसिव इरोजन होता है, क्यों, क्योंकि वेजिटेशन है नहीं, वेजिटेशन अगर लो है तो आपको पता है इरोजन बढ़ेगा, इस तरीके से क्या होता है वेजिटेशन कम है तो इरोजन बढ़ रहा है, इरोजन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे बैडलैंड टॉपोग्राफी, बैडलैंड का मतलब बीहड़ तैयार हो जाते हैं, बीहड़ उनको बोलते हैं रेवाइंस ऑफ चंबल, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग मत समझना इनको, रेवाइंस ठीक है, बीहड़ ये बैडलैंड क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर क्यों नहीं पॉसिबल है, मान लो ये कोई लैंडमास है, यहाँ पे रेनफॉल हो गया यहाँ पे वेजिटेशन है नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं, तो क्या होगा ऊपर की टॉप सॉइल है वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी आपकी यहाँ से। अब टॉप सॉइल का मतलब ऊपर का जो लेयर है वो हट गई, अब वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, अगर वो हट गई तो आपके यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर या कोई भी खेती करना चाहोगे तो वो खेती भी नहीं होगी, इवन ग्रासेस तक का भी प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड
टोपोग्राफी, ठीक है। इसमें मेजर रिवर्स कौन कौन सी आती है? इनमें मेजर रिवर है आपकी गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल, चंबल, मोरेल, बनास, माही, पार्वती। ये इस रीजन की इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि इस रीजन को ड्रेन करती है, जिसकी वजह उन्हीं वही नदियां हैं जो आपकी जो लोमी सॉइल है, फर्टाइल लोमी सॉइल वो लेके आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही प्रोडक्टिव होती है एग्रीकल्चर के लिए। ये जो रीजन है ये आपका क्लाइमेट वाइज हॉट ह्यूमिड में आता है, मींस यहाँ पे रेनफॉल भी ठीक है और आपकी टेम्परेचर भी रेंज भी ज़्यादा रहेगी। टेम्परेचर रेंज है वो समर्स के अंदर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और विंटर्स के अंदर मिनिमम आपका 4-8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जबकि विंटर्स की बात करें तो एवरेज आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑन एन एवरेज रहता है, ठीक है। तो लोवेस्ट हो गया 4-8 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम आपका 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑटम फॉरेस्ट मिलते हैं, शरद ऋतु के टाइम पे जो डेवलप होते हैं वो फॉरेस्ट अपने यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि धाक, खेर, गुलार, बबूल, तेंदू, महुआ, ढोकरा, बेर। और इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जो डीग रीजन है अलवर का, उस रीजन में दो ग्रासेस डेवलप होती हैं, एक पर्टिकुलर एक तरीके से स्पीसी है या फिर अपन बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ ग्रास है, वो यहाँ पे होती है, उसको बोलता है बीड या मंडेरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रख लेंगे, बीड और मंडेरा ग्रासेस कहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, तो कहाँ पे मतलब ये ओरिजिनेट है या फिर यहाँ लगती हैं, तो वो आपका आ जाएगा नियर डीग रीजन ऑफ अलवर, ठीक है। इरिगेशन जो है वो मैक्सिमम आपका वेल्स से होता है, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि रिवर्स इस रीजन में बहुत सारी है, ये भी अभी अपन ने ऊपर देखी, तो रिवर्स अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर टेबल भी ज़्यादा होगा, और वाटर टेबल अगर ज़्यादा है तो वेल्स अपने आप ज़्यादा हो जाएंगी, रिवर्स हैं तो कैनाल से भी हो जाएगा, और थोड़ी बहुत लैंडमास आपका इस रीजन के अंदर क्या है, हार्ड रॉक से बना हुआ है, हार्ड रॉक से बना हुआ तो वहाँ पे आप पॉन्ड्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ट्राइबल रीजन है, तो ट्राइबल रीजन अगर आ जाता है इस एरिया में तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पॉन्ड्स बना करके और आप यहाँ पे इरिगेशन कर सकते हो, ठीक है। मिनरल्स की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो रीजन है ये मिनरल वाइज स्कैर्स है, क्योंकि ये क्या है, एल्यूवाइल सॉइल, आपकी क्या थी, दोमट मिट्टी मिलती है इस रीजन के अंदर, तो दोमट मिट्टी तो क्या है, लाई हुई मिट्टी है कहीं ना कहीं से, और लाई हुई मिट्टी से में क्या होता है, मिनरल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेनली जो मिलेगा तो वो अपने को मिलेगी कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री मतलब रिवर्स हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आएगी, डिपॉजिट होंगी और उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होगी उसको बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो अपने को मटेरियल या मिनरल जो मिलेगा वो मैक्सिमम क्या होगा, स्टोन की फॉर्म में होगा, जो कि आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माइका, एक तो माइका मिलता है यहाँ पे, गार्नेट मिल जाता है, सोप स्टोन जो कि निवाई एरिया टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है, लाइमस्टोन है वो आपका सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी वाले रीजन के अंदर प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। इस रीजन को ईस्टर्न डोर ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है, किसको, ईस्टर्न प्लेन को, ईस्टर्न प्लेन को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न डोर ऑफ राजस्थान, क्योंकि इधर इस वाले रीजन से ही राजस्थान के अंदर एंटर होया जा सकता है, क्योंकि प्लेन एरिया है तो ट्रांसपोर्ट भी आपका अच्छे से डेवलप होया रहता है, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, सॉरी। इस तरीके से अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया अपना ईस्टर्न प्लेन, अब बात आती है आपकी साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है वो आपका डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर, कौन कौन से, एक तो विंध्यन कगार और एक आपका ईस्टर्न डेकन प्लेट्यू का एक्सटेंशन ऑफ डेकन प्लेट्यू है, वो कौन सा है, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती और एंड विंध्यन कगार, इन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। अब देख लेते हैं अपन विंध्यन प्लेट्यू, इसको साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपका जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है उसकी एक्सटेंशन है, इसलिए इस रीजन को बोल देते हैं अपन विंध्यन कगार, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इस रीजन को अपन बोल देते हैं प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती, ठीक है। तो इस तरीके से दो सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें अगर अपन बात करें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आपके आ जाते हैं झालावाड़, ठीक है, बारा, कोटा, ये थोड़ा वो चित्तौड़ का पार्ट आ गया। इधर ऊपर की बात करें विंध्यन कगार के अंदर तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो रीजन है जहाँ पे चंबल रिवर इस तरीके से फ्लो होती है और यहीं पे आपके जो बीहड़ है वो डेवलप होते हैं इस वाले रीजन के अंदर ही, बेडलैंड टोपोग्राफी,
ठीक है। चलिए अब इसके बारे में अपन डिटेल थोड़ी सी ले लेते हैं कि क्या क्या इसके क्या क्या इस यहाँ के फिजिकल फीचर्स हैं और किस किस तरीके से यहाँ पे डेवलप होया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न प्लेटू की अगर बात करें तो इस रीजन को बोला जाता है माल, ठीक है। ये अपने लोकल नेम्स हैं, इनको अपने को अच्छे से याद में रखना है, माल, ठीक है। ये कौन कौन से रीजन्स में फैला हुआ है, ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बाराही, अपन ने देखा मेनली। बाकी विंध्यन, कगार और एक्सटेंड आगे भी है। एरिया है इस रीजन का वो राजस्थान का ऑलमोस्ट 6.89% है, जबकि पॉपुलेशन यहाँ पे राजस्थान की 10% है। अगर इस रीजन को सब डिवाइड करें अपन तो दो रीजन्स में अपन ने डिवाइड किया था, विंध्यन कगार और हाड़ौती प्लेट्यू। हाड़ौती प्लेट्यू जो है वो एक तरीके से मालवा प्लेट्यू का पार्ट है, जो कि डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका ये एक्सटेंशन है। क्रिटेशियस पीरियड में जब इंडियन लैंडमास, इंडियन प्लेट, रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है, मेडागास्कर के पास में आपके इंडियन ओशियन में है, ठीक है। वो क्या है, एक हॉटस्पॉट है, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे लगातार लावा निकलता रहता है। तो ये जब अपनी इंडियन प्लेट उसमें उसके ऊपर से निकली तो यहाँ पे क्या था, फिशर्स थे, छोटे छोटे क्रैक थे इस लैंडमास में, कौन से में, पेनिनसुला वाली में। तो वहाँ से क्या हुआ, आपका लावा इरप्ट हुआ और बाहर आके सेटल डाउन हो गया, उसी से आपके ये प्लेट्यूज डेवलप हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका हाड़ौती प्लेट्यू जो है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये हाड़ौती प्लेट्यू है ये मेनली कौन से रीजन में एक्सटेंडेड है, आपके कोटा और बूंदी के अंदर। अब आगे चलते हैं, ये जो रीजन है ये मेनली डेवलप होया हुआ है आपका बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट लावा से। बेसाल्ट लावा क्या होता है, आपका एक तो बेसिक होता है, एक कलर में डार्क होता है। ये क्या है, जब ये लैंडमास ऊपर से आया और रीयूनियन के, तो फिशर्स से इरप्शन हुआ और वहाँ पे आपका ये लावा आकर के सेटल डाउन हो गया। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, विद द टाइम इस लावा का, डिपॉजिटेड लावा का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा कि नहीं, वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद इरोजन भी होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इरोजन होने की वजह से यहाँ पे सॉइल डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। क्योंकि लावा आपका किस कलर का है, डार्क, डार्क मतलब ब्लैक कलर के अंदर रहता है, तो सॉइल भी आपकी डेवलप होगी, उसको क्या बोल देंगे अपन, ब्लैक सॉइल, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेग्यूर, ठीक है। जो जो सबसे बेस्ट किस चीज़ के लिए रहती है, सबसे बेस्ट अपनी किस चीज़ के लिए रहती है, वो होती है कॉटन के लिए, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू की ये एक्सटेंशन है, तो अब पर्टिकुलर डेक्कन प्लेट्यू, एक तो एक्सटेंशन है, एक डेक्कन प्लेट्यू, दो डेक्कन प्लेट्यू अपने राजस्थान में स्प्रेड होया हुआ है, चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में, बांसवाड़ा वाले रीजन में और झालावाड़ वाले रीजन में, ठीक है। इस रीजन के अंदर रेनफॉल आपका 80 से 120 सेंटीमीटर होता है, जो कि राजस्थान के जितने भी अपन ने फिजियोग्राफिक डिवीजन अभी तक पढ़े हैं, ये चौथा है अपना, उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है। और मेनली कोई कौन सी ब्रांच से होती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से ही होती है अपने यहाँ पे बारिश, और कौन सा मंथ, वही जुलाई से सेप्टेम्बर, ठीक है। यहाँ पर एक रीजन है, उस रीजन को बोलते हैं संक्रांति रीजन, संक्रांति रीजन, जो कि अरावली और विंध्याचल माउंटेन्स के बीच में है। अरावली, अरावली आपको पता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ आपकी एक्सटेंडेड है, और विंध्याचल पर प्लेट्यू है वो इधर अपन ने देखा ही था। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को आप क्या बोलते हो, संक्रांति रीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, संक्रांति रीजन कौन से रीजन में आता है मेनली, तो ये रीजन बोला जाता है आपका किस में आता है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर। इस रीजन का जो स्लोप है वो आपका है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में। तभी तो जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे अपन बात करें यहाँ पे नीचे दिया हुआ रिवर्स, चंबल, पार्वती, मेज, काली सिंध, इन रिवर्स का फ्लो अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन की वजह से यूं है इनका फ्लो। देखो होता क्या है, मान लो ये है अरावलीज, ठीक है, और यहाँ पे आपके है ये प्लेट्यू, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में इधर से यहाँ आओगे तो इधर की तरफ स्लोप मिलेगा, और इस तरफ से इधर जाएंगे तो इस तरफ वाला स्लोप मिलेगा। तो अगर प्लेन की बात करें, अपन ईस्टर्न प्लेन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे तो क्या स्लोप था, आपका ईस्ट की तरफ आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्लेट्यू से आप प्लेन की तरफ जाओगे, तो उस तरीके से आपका ढाल किस तरफ जाएगा, आपका नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि अभी तो आप बोल रहे थे प्लेन के अंदर तो स्लोप इधर से ईस्ट की तरफ है और आप वेस्ट की तरफ बता रहे हो, तो इधर क्या है, यहाँ पे आपका प्लेट्यू है और यहाँ पे भी हाईलैंड ही है,
अरावलीज, और ये बीच वाला पोर्शन आपका प्लेन, प्लेन तो लोलैंड होती है, तो इसलिए दोनों तरफ की बातें एकदम परफेक्ट, एकदम सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे कॉटन, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, अफीम, ग्राउंड नट्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, इनका प्रोडक्शन अब यहाँ पे किया जाता है। फिर इस रीजन की बात करें तो स्पेसिफिक तरीके की यहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं, उन माउंटेन्स के अंदर अर्ध चंद्राकार माउंटेन्स मिलते हैं जो कि बूंदी और मुकुंदवाड़ा के अंदर मिलते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक रीजन्स मैं बता रहा हूँ, संक्रांति रीजन, अर्ध चंद्राकार, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को मिस बिल्कुल भी मत करना। रिवर्स अपने बात कर ली, चंबल, पार्वती, मेज, काली सिंध, ये इधर से फ्लो होती है। फिर बात आती है यहाँ की क्लाइमेट की। जैसा कि अपने को पता है ये वाला रीजन अपना क्या है, इस तरफ वाला डायरेक्शन में है, ठीक है। ये राजस्थान का अगर अपन साउथ बनाएं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पाया, ये अपन राजस्थान का साउथ बनाएं तो अपन इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला सेक्शन कहाँ रहा है, मैंने बताया था यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस किसका आएगा, ट्रॉपिक्स का ही आएगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है पर इन्फ्लुएंस किसका रहता है, मैक्सिमम ट्रॉपिक्स का रहता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गई। टेम्परेचर है इस रीजन के अंदर तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका विंटर्स में रहता है, जो कि लोवेस्ट जा सकता है आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राइट। बूंदी और झालावाड़ जो हैं ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है। अपने को पता है माउंट आबू तो एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि वो अपने को पता हिली रीजन में, वो भी सदर्न अरावली रेंज के अंदर आता है, ठीक है। जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी जाए तो डिस्ट्रिक्ट आपके कहाँ कौन कौन से हैं, बूंदी और झालावाड़, जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आपके राजस्थान के अंदर होता है। फिर बात आती है यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। मिनरल्स यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे नहीं है, हैवी तो बहुत कम, ठीक है। मेनली कौन से मिलते हैं, सॉप स्टोन जिसको अपन घिया पत्थर भी बोलते हैं, स्लेट स्टोन जो कि कोटा स्टोन होता है जिसका अपन यूज़ करते हैं फर्श बनाने के अंदर, घरों के अंदर अपन यूज़ करते हैं तो उसको स्लेट स्टोन भी बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं उसको, उसको अपन शाइन होने की वजह से उसको बोलते हैं कोटा स्टोन। यहाँ पे ग्लास सैंड, डोलोमाइट और बेलेस्ट स्टोन भी मिलता है। तो इस तरीके से आज अपन ने कंप्लीट चारों मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ राजस्थान कर लिए हैं, ठीक है। अब अपने पास में कुछ फैक्ट्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो कवर करूंगा जिसमें आपके कौन कौन से प्लेट्यूज को, डिफरेंट नेम्स ऑफ प्लेट्यूज, डिफरेंट नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, कौन कौन से रीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर कोई क्रॉप होती है, कोई वेजिटेशन होता है उसका क्या नाम है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जिसके बाद में अपना जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये मेजर अपनी जो लैंडफॉर्म्स हैं राजस्थान के अंदर, वो अपना ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। तो एक लेक्चर अभी तक इसमें अपना और आएगा, मेजर फिजिकल डिवीज़न अपना कम्प्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों को बताइए, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।